सकती है। केरल। तो जब भी हम कोई रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं तो वो किस फॉर्म में रहता है? हमारा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है। तो यूजर डॉट क्रिएट किया मैंने, तो हम क्रिएट करते हैं, सेव करते हैं। ये हमारी क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, जिसके भी आप हम क्या कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा हो, ठीक है, जब हमारा ऑब्जेक्ट अपडेट हो रहा हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो रहा हो, तो हम एक सर्टेन टाइम पे, एक सर्टेन मोमेंट पे कुछ फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं कॉल बैक्स की हेल्प से। या फिर वो वैलिडेट हो रहा हो या फिर वो लोडेड लोड हो रहा हो, ठीक है। तो ये पढ़ो क्या होता है, कॉल बैक आर मेथड दैट कैन कॉल्ड एट सर्टेन मोमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल विथ कॉल बैक इट इज पॉसिबल टू राइट कोड दैट विल रन व्हेन एवर एन एक्टिव रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड सेव्ड अपडेटेड डिलीटेड वैलिडेटेड और लोडेड। अब एक्टिव रिकॉर्ड ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जो हम डेटा क्रिएट करते हैं हमारे टेबल के अंदर वो हमारा एक्टिव रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट होता है। सपोज अगर हम एक यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या हमारा एक्टिव रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम कॉल बैक्स का यूज कैसे कर सकते हैं, ये देखो, बिफोर क्रिएट डू सेल्फ डॉट नेम, मॉडल में जाएंगे, हम मॉडल में ही यूज क्यों कर रहे हैं, मॉडल क्या करता है हमारा, सब मॉडल डेटाबेस से इंटरेक्शन प्रोवाइड करवाता है। डीबगर सर यहाँ पे जो सेल्फ है सर ये यूजर को इंडिकेट कर रहा है। हाँ क्रिएट हो गया। अब हम इस पे क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं
किसी भी यूजर को बिफोर क्रिएट के पहले, ठीक है। अब एक फॉर्म बना लेते हैं, फॉर्म टाइम लगेगा, उठा लेते हैं फॉर्म। सर वीएस कोड में कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे एक बार में हर जगह चेंजेस कर सकते हैं? क्या क्या डेटा है हमारे पास? नेम है, ईमेल है, एड्रेस है, ये नेम है, एड्रेस है, पिन कोड है और क्या फोन है। सो ये हमने करा दिया है पूरा। सो ये अब हमें क्या बनाना है, एक न्यू का फॉर्म बना। .html.erb फॉर्म यहीं से ले लेते हैं। यूजर नेम
सर स्क्रीन स्टक हो गया। ओके यस सर। ओके अब हम जाते हैं हमारे यूजर डॉट मॉडल की मैट्रिक्स पे, यहाँ पे लगाते हैं। सर एक बार वो वाला फॉर्म दिखाइए ना वापस से थोड़ा सा। ओके सर यूजर को भी अंदर रखते हैं। ठीक है सर। अब हमारा डिबगर कहाँ के रुका है? यहाँ पे बिफोर क्रिएट के पहले। शो हो रहा है सभी को? सो डेफिनेशन में क्या लिखा था? क्या लिखा था? कॉल बैक और मेथड दैट गेट called at certain moment of an object life cycle with callback is possible to write code that whenever active rock record is created, saved, updated. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा record saved हो रहा है, ठीक है? उसके लिए हमने क्या लगाया है यहाँ पे? Before create कोई भी object या कोई भी हमारा database में entry, suppose user हमारा एक model है, उसका object होगा जो हम डेटाबेस में डेटा क्रिएट करेंगे, ठीक है? अभी क्या हो रहा है, हम एक न्यू यूजर को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है? अब उस क्रिएट के पहले मैंने क्या लगाया? एक कॉल बैक लगाया बिफोर क्रिएट, जो कि कब ट्रिगर करेगा? जब मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा होगा। तो अभी क्या हो रहा है, मेरा रिकॉर्ड क्रिएट हो रहा है, डिबगर लगाया यहाँ पे, मुझे मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल्फ लिखूंगा। सो ये मुझे पूरा के पूरा डेटा रिटर्न कर रहा है। यस सर फर्स्ट वाले। अब मैं इस पे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे इसने लिखा है सेव डॉट नेम लॉगिन डॉट कैपिटलाइज इफ नेम डॉट प्लान। ये सारी फंक्शनैलिटी मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ किसके लिए? रिगार्डिंग मेरी ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग ये कर सकते हैं। सेल्फ डॉट नेम नो सर सो नहीं हो रहा सर। यहाँ पे क्या है, मेरा नेम कैसा है? स्मॉल में, स्मॉल में, ठीक है? आप चाहते हो जब भी मैं नेम मेरा एंटर करूं डेटाबेस के अंदर तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल जाए, नो मैटर यूजर मुझे कैसा इनपुट प्रोवाइड कर, बट डेटाबेस में जो मेरा नेम जाएगा वो कैसा जाएगा? कैपिटल फॉर्म में उसका फर्स्ट लेटर जाएगा, ठीक है? अब मैंने यूआई से तो मैंने क्या भेजा है, मेरा हर एक नेम का कैरेक्टर स्मॉल भेजा है, ये देखो इस तरीके से भेजा है मैंने ये। अब मैं चाहता हूं कि मेरा डेटाबेस के अंदर जो मेरा नेम जाए उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। तो मैंने क्या यूज किया, एक कॉल बैक यूज किया है बिफोर क्रिएट नेम का, जो कि मेरा डेटा क्रिएट होने से पहले कॉल हो रहा है, और वही मैथड मेरा क्या करेगा, नेम का फर्स्ट लेटर को कैपिटल करके स्टोर कर देगा। अब जब मैं सेल्फ लिख रहा हूं तो ये मुझे पूरा रिटर्न कर रहा है, बट जब मैं नेम डॉट डाउन केस डॉट टाइटलाइज लिखूंगा तो देखो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या आ गया, मेरा फर्स्ट लेटर कैसा आ गया, कैपिटल आ गया। करता है क्लास के अंदर, उस क्लास को कॉल करता है, ठीक है? सेल्फ लिख रहा हूँ, पूरा डेटा मिल रहा है, नेम लिख रहा हूँ, पर्टिकुलर नेम मिल रहा है जो कि यहाँ पे एंट्री ले रखा है मेरे डेटाबेस के क्रिएट मेथड के पहले, ठीक है? नेम मिल रहा है यहाँ पे, सो रहा है सभी को? यस सर। यस सर बड़ा ओके। सो नेम को मैं क्या करूंगा, अगर चेंज करूंगा नेम डॉट डाउन केस डॉट टाइटलाइज दिस, ठीक है, को चेंज करूंगा और सेल्फ डॉट नेम में डाल दूंगा,
सेल्फ का नेम चेंज हो गया, यस तो मैं सी करूंगा, डेटा मेरा सेव हो जाएगा। कैपिटल में आ रहा है, यस सर। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ देखो क्या क्या चीजें नो मैटर वो कुछ भी एंट्री करें, तो यही चीज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मेरे कोड के अंदर कि कोई भी रिकॉर्ड अगर क्रिएट हो उससे पहले मेरा जो नेम या नंबर है वो मेरा कॉन्स्टेंट जाए, ये वाला। अब यहां पे मैंने नंबर ये दिया है, सॉरी फोन होगा, यूजर डॉट क्लास करोगे, मेरा ही नंबर आया यहाँ पे। नो सर, नो सर, यस सर। लास्ट में क्या है, जो मैंने नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया है वही आया। ओके सर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ सभी का नेम सेम हो, तो नेम कर दूंगा मैं। अब करोगे देखो हेलो वर्ल्ड आ गया यहाँ पे, यस सर। तो समझ में आया कॉल बैक्स क्या होता है, जो कि ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल के ऊपर हिट करता है, कॉल होता है। अलग अलग है, बिफोर वैलिडेशन है, आफ्टर वैलिडेशन है, बिफोर सेव है, अराउंड सेव है, बिफोर क्रिएट है, अराउंड क्रिएट है, आफ्टर क्रिएट है। इन पे जाओगे सारी मेथड्स मिल जाएंगे आपको। ये हमें रील्स प्रोवाइड करते हैं ना सर? हाँ ये रील्स प्रोवाइड करता है आपको। ये रहे बिफोर से आर्गुमेंट ब्लॉक, आर्गुमेंट ब्लॉक, ब्लॉक में आप डू का यूज कर सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे यूज हुआ है डू और एंड का। सही लिंक्स प्रोवाइड करवा दीजिए आज वाली भी। लिंक्स ठीक है मैं देता हूँ लिंक, इस पे दूँ? हाँ सर, ये वाली भी सर, एपीआई वाली भी जिससे आपने एपीआई को कम। ये रही एपीआई वाली जहाँ से डेवलप किया सर ने, वो वाला चाहिए क्या? हाँ हाँ वो वाले। ये रही एक्टिव रिकॉर्ड कॉल बैक्स वाली।
दोनों लिंक मैंने प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। सन में एक्टिव कॉलबैक्स क्या होते हैं? यस सर, ठीक है। सर जो आपने बताया ये तो ठीक है सर, बट जो कॉल बैक का तरीका सर, कि हम फंक्शन बना के कॉल बैक करते हैं, यानी कि बैक करके फिर हम उसमें फंक्शन का कुछ कीवर्ड नेम देते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर हाँ वो भी कर सकते हो, बिफोर सेव के आगे नेम लिख दो आपके फंक्शन का और वहां कॉल करा लो। हमेशा वो प्राइवेट मेथड में क्यों बनाते हैं अपन? प्राइवेट में कि मॉडल के बाहर वो कॉल, हाँ आउटसाइड का क्लास वो मेरा एक्सेस ना हो। क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? सर एक बार थोड़ा सा वो वाला बता देते हैं जो मैं बोल रहा था, फंक्शन बना के सर, वो तो इजी भी है सर इससे। ओके हेलो सर, यस सर मैंने अभी तक इसका यूज ज्यादा किया है कॉल बैक का, तो केवल ओनली मैसेज सेंड कराने के लिए होता है, जैसे हमारी हमारा जो भी रन होता है ना सर, उसके बाद जो मैसेज सेंड कराना है, बस इतना ही किया। देखो बिफोर क्रिएट के पहले मैंने क्या कॉल किया, सेट नेम नाम से मैथड कॉल किया, जो कि मेरा नेम सेट कर रही है बाय डिफॉल्ट के लिए, ठीक है। अब मैं कुछ भी नेम डालूंगा तो हेलो वर्ल्ड ही आएगा मेरा। तो इस तरीके से क्या पास कर सकता हूँ मैं, मेथड बना के भी बिफोर क्रिएट का यूज कर सकता हूँ, बिफोर क्रिएट मेथड कोलन के अंदर, ठीक है, प्राइवेट डेफ सेट नेम डिबगर सेल डॉट नेम हेलो वर्ल्ड। अब मैं यहाँ से एक फॉर्म सबमिट करूंगा, मेरा डिबगर यहाँ के रुक गया, सेल करूंगा डेटा मिल जाएगा, अब डेटा चेंज भी हो जाएगा। अब मैं करूंगा यूजर डॉट लास्ट, तो वही मिलेगा मुझे हेलो वर्ल्ड, बट ईमेल में क्या मिल रहा है, राहुल का ईमेल। क्लियर है? इस तरीके से मैं पास कर सकता हूँ। यस सर, क्लियर है सर। वैसे ऐसा करने की तो जरूरत कभी नहीं पड़ेगी ना कि सर हमें एक ही नाम सब में रख दें? हाँ पढ़ सकती है, कंपनी एड्रेस में पढ़ सकती है, जब आप एम्प्लॉयज की डिटेल्स लेंगे तो कंपनी एड्रेस तो सेम रहेगा सबका,
अब चाहे आप फॉर्म में यूजर कंपनी एड्रेस डाले या ना डाले, बट रिकॉर्ड में तो आपको कंपनी एड्रेस सेव कराना रहेगा। यस, सो कंपनी एड्रेस जो जो फील्ड सेम रहेंगी वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे लोकेशन सेट कर सकते हो क्रिएट और अपडेट पे, ठीक है, पैच करके। हर एक चीज के लिए आपको एक पर्टिकुलर मेथड दे रखी है जो कि आप यूज कर सकते हो। वैलिडेशन के रिगार्डिंग भी दे रखी है कि बिफोर वैलिडेशन आपकी ये चीजें रन हो, आफ्टर वैलिडेशन आपका ये चीजें रन हो, सारी चीजें आपको दे रखी है जो कि लाइफ साइकिल के ऊपर डिपेंड करती है। आप जो भी मेथड्स इस पे पास करोगे वो मेथड कॉल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने सेट नेम किया है बिफोर क्रिएट पे, मैं आफ्टर क्रिएट करता तो क्रिएट होने के बाद होता, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है जिसका आप यूज कर सकते हो। ओके, क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, फिर ये पढ़ लो सारी चीजें जिनका इंटरव्यू है, वो अच्छे से पढ़ लो। ओके ओके, फिर क्लास नेक्स्ट सेशन में। ओके सर। सर मैंने कुछ टैग किया आपको, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। सर थोड़ा सा कंसर्न और मॉकिंग के बारे में बता दीजिए। किसके बारे में पूछ रहे हो? रिपीट करो सर। ये अभी मैंने आपको टैग किया है। ओके जूम चैट में भी कुछ सेंड किया सर। तो ये जो टॉपिक है आपके आर स्क्वायर आर स्पेक रेडिस साइडकिक डॉकर मॉकिंग रेस्टफुल स्लिम एमएल ईआरबी स्लैक एमएस टीम। अब देखो
जो हमारा आर स्पेक है वो क्या होता है, पहले मॉकिंग से स्टार्ट करते हैं। मॉकिंग क्या होता है, रेस्टफुल एपीआई में हम क्या करते हैं, कर्ड ऑपरेशन प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। मॉकिंग में क्या करते हैं, हम एपीआई को टेस्ट करते हैं। एपीआई में एपीआई को किसके थ्रू टेस्ट करते हैं, हम टेस्ट करते हैं मल्टीपल एपीआई बना के रिक्वेस्ट सेंड करके, क्या हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो हम मॉकिंग के थ्रू टेस्ट करते हैं, ठीक है। पोस्टमैन के थ्रू हम टेस्ट कर लेते हैं ये सारे एप्लीकेशंस को जो कि हमारी एपीआई क्रिएट करती है। मॉकिंग से हम टेस्ट करते हैं हमारे एपीआई को। पोस्टमैन से सर, पोस्टमैन से हम एपीआई को कॉल करते हैं और रिस्पॉन्स को जनरेट करते हैं। ओके सर, मॉकिंग में मैंने पढ़ा था सर कि हम डुप्लीकेट डेटा, डमी डेटा क्रिएट करते हैं और उस पर टेस्ट करते हैं सर, ओरिजिनल की। हाँ, उसी तरीके से, किस तरीके से, जैसे अभी यूआरएल पे मैंने हिट किया था, ठीक है, और मैंने पास की थी वैल्यू यूजर की, ठीक है। तो मैं ये सारी चीजें कहाँ पे कर रहा था, मेरे यूआरएल पे कर रहा था, बट ये सारी चीजें आप किस पे कर सकते हो, पोस्टमैन पे, और टैग कर सकते हो आपकी एपीआई को, ठीक है। दूसरा क्या आता है, आरस्पेक। आरस्पेक क्या होता है, आरस्पेक टेस्टिंग टूल होता है रेल्स का, हो रहा है यहाँ पे। तो आरस्पेक क्या है, आरस्पेक इज अ टेस्टिंग टूल बाय रूबी क्रिएटेड बाय बिहेवियर ड्राइविंग डेवलपमेंट। इट इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टेस्टिंग लाइब्रेरी फॉर रूबी प्रोडक्शन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं हमारी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग। कहाँ मिलते हैं हमको टेस्ट केसेस, टेस्ट के अंदर, कंट्रोलर के अंदर, एपीआई के अंदर, ये मिल गए हमें टेस्ट केसेस, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक आरस्पेक का जैम होता है, जैम आरस्पेक, जो कि हमें इंस्टॉल करना रहता है हमारी जेम फाइल्स के अंदर ऐड करने के बाद, बंडल चलाते हैं हम। सो ये हमें क्या करके दे देता है, फाइल क्रिएट करके दे देता है इस तरीके से कि जब हम ये कमांड चलाते हैं रेल्स जनरेट आरस्पेक मॉडल यूजर, ठीक है। तो ये क्या करके दे देता है, स्पेक्स क्रिएट करके दे देता है हमारे मॉडल्स के अंदर, जिसके अंदर हम हमारी एप्लीकेशन का बिहेवियर लिख सकते हैं। बिहेवियर इन द सेंस, जब हम कोई न्यू फंक्शनैलिटी डालेंगे, ठीक है, तब हम टेस्ट केसेस रन करेंगे। टेस्ट केसेस रन होंगे, तो अगर टेस्ट केसेस सक्सेसफुली रन होते हैं तो हमारी जो फंक्शनैलिटी हमने इंप्लीमेंट की है वो सही तरीके से वर्क कर रही है और वो रेडी टू क्या है, पुश है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो बिहेवियर है उसका, उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो आरस्पेक की हेल्प से हम ये सारी चीजें टेस्ट करते हैं। डिस्क्राइब बिफोर डू बुक डॉट न्यू आरस्पेक इनटू प्राइस सबमिट। देखो हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर ने एक ऑर्डर क्रिएट किया है, अब हम टेस्ट केसेस लिख रहे हैं कि कस्टमर ने जब ऑर्डर क्रिएट किया है तो उसके पास ऑर्डर की वैल्यू है या नहीं, और अगर ऑर्डर बुक है, ठीक है, तो हमें क्या मिलनी चाहिए, उसकी बुक की वैल्यू भी मिलनी चाहिए,
ऑर्डर को कंप्लीट होना चाहिए अगर उसका क्या है, उसका इनपुट इज मार्क्ड एज कंप्लीट है और इज नॉट येट शिफ्ट है, तो उसको शिफ्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो शिफ्ट हो जाए और हमारे डेटाबेस के अंदर नॉट शिफ्ट इज शो, ठीक है। तो इसके लिए हमने टेस्ट केसेस लिख रखे हैं, तो ये बिहेवियर चेक करता है। ये रहा हमारे पास जैम आरस्पेक, बंडल इंस्टॉल चलाओगे सारी फाइल इंस्टॉल हो जाएंगी। मेक डायरेक्टरी से स्पेक की डायरेक्टरी बनाना है आपको, डिस्क्राइब के अंदर आप वो लिख सकते हो जो आपको डिस्क्राइब करना है, और यहाँ पे आप टेस्ट केसेस लिख सकते हो। और आप रन कैसे करोगे, बंडल ई